क्या ये जरूरी है कि जो अब तक करते आए हैं वही ठीक है? कोऑपरेटिव सोसाइटी आप सबकी संपत्ति होगी। गंगानाथ डेयरी तो एक ही आदमी की निजी संपत्ति है, आपकी नहीं, मिश्रा की। उससे फायदा कौन उठाता है? मिश्रा। मगर सोसाइटी से सब मेंबर लोग फायदा उठा सकेंगे। सोसाइटी हो तो सुबह के दूध के पैसे शाम को और शाम के दूध के पैसे सुबह मिल जाएंगे। दूध सीधे सरकारी डेयरी पहुंचाया जाएगा। सरकारी डेयरी यहाँ से 40 माइल दूर है। हाँ, लेकिन जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी ट्रकों का प्रबंध भी हो जाएगा। 7-8 गांव का दूध मिला के एक ही ट्रक में भेजा जाएगा। ये हमारा मिश्रा जी को पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इससे उसका फायदा कम होगा और आप सब लोगों का फायदा बढ़ जाएगा। साहब, अपने सोसाइटी में कौन भर्ती हो सकता है? कोई भी जिसके पास कम से कम एक गाय भैंस हो। ज्यादा जानवर वालों का हक भी ज्यादा होएगा? नहीं, सबके हक बराबर होंगे। सारे मेंबर मिलकर एक कमेटी का चुनाव करेंगे, जिसका काम होगा दूध जमा करना, टेस्ट करना, हिसाब किताब रखना। इस कमेटी का एक प्रमुख होगा, जिसका चुनाव भी आप लोग ही करेंगे। हमारे सरपंच के पास पूरी 25 भैंसियों है, 25 तो प्रमुख एमनेट बनाना चाहिए। यह फैसला तो चुनाव से ही होगा।